साउथ अफ्रीका में पत्नी द्वारा अपने पति की चाकू गोद कर हत्या करने का मामला सामने आया। मृतक की पहचान होशियारपुर के गांव जलाल डोगरा के राणा सिंह के रूप में हुई है। मृतक के गांव में मातम का माहौल है। वहीं परिवार अपने बेटे की लाश भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय से मांग कर रहा है। होशियारपुर से अभिषेक। हाँ जी, मैं आते हाथ जोड़ के यही अपील करनी, मेरा बच्चा मैं घाटे मंगा दो जी, मैं देगा सच्चे पातशाह उन्होंने बड़ा भला करेगा जे मेरा बच्चा मैनू घर मंगा देंगे तो उन्होंने बड़ा भला होगा। हाँ मेरी उन्होंने पिता जी लोग बिरद हैं सर, इस तरह बेनती है जी साड़ी हिंदुस्तान सरकार नूं कि साडा जवाई जो कि साउथ अफ्रीका दे विच कमाउण वास्ते गया सीगा उत्थे उसने अपनी शादी करा के ते कुछ अपने कागजात तैयार करन दी खातर ये सारा टकवंज रचा ही। सानूं पता लगा एक मीडिया रही कि उसकी उसे पत्नी ने उसका कतल कर दिता है चाकुओं के नाल मार मार के। सानू मीडिया रही जो भी अज इनफॉर्मेशन मिली है असी भारत सरकार को अपील करते हैं कि उसकी डेथ बॉडी में साड़ी हिंदुस्तान पहुँचाया जाए, साडे घर पहुँचाया जाए तां कि असी सानू पता लग गया है कि मीन्स राणा सिंह साडे वड्डे भाजी साडे पिंड दे बड़े लायक बंदे सी ओह पूरे हो गए ने साउथ अफ्रीका विच जोहान्सबर्ग विच कि ओह उत्थे उन्हां दी वाइफ वल्लों मर्डर किया गया। इत्थे पूरी फैमिली बड़ी ही प्रॉब्लम विच है। उन्हां दा एक उन्हां दी एक मुंडा हैगा, इकलौता मुंडा, इतने माँ प्यो भी है बजुर्ग, वह भी काफ़ी सदमे गहरे सदमे में है। तो असी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फॉरन मिनिस्टर स्पैशली आ रिक्वेस्ट करने कि जल्दी तो जल्दी प्लीज़ बॉडी इतने भेजन अपने इंडिया भेजन ताकि असी क्रिमेशन अंतिम संस्कार टाइम से कर सकी।